कक्षा 7 और 8 क्रिया पढ़ा रहे हैं। संरचना के आधार पर क्रिया 6 प्रकार के होते हैं, यही पढ़ा रहे थे, जिसमें सामान्य क्रिया पहला, दूसरा संयुक्त क्रिया पढ़ा चुके हैं। जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के मिल से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। रंजक क्रिया, जब कोई अन्य क्रिया मुख्य क्रिया से जुड़ती है तो वह अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया में एक प्रकार की नवीनता या विशेषता ला देती है, इसीलिए इसे रंजक क्रिया कहते हैं। कुछ लोग इन्हें सहायक क्रिया भी कहते हैं। वह खाना खा चुका है, चुकना, यह रंजक क्रिया का उदाहरण हो गया। वह भाग सकता है, शकना, रंजक क्रिया का उदाहरण हो गया। नामधातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनती है उसे हम नामधातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनने वाली क्रिया को नामधातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा से, जैसे रंग से रंगना, फिल्म से फिल्माना आदि। सर्वनाम, जैसे अपना से अपनाना, मैं से मिमियाना। विशेषण, गर्म से गर्माना, दोहरा से दोहराना। अनुकरणवाची भी है, हिन हिन से हिनहिनाना, खटखट से खटखटाना आदि। चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रिया शब्दों से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे नरेश मोहन से पत्र लिखवाता है, यानी खुद नहीं लिखता है, दूसरों से लिखवाता है। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में इसमें कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं के बजाय किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसमें प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है, जैसे शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ कर्ता स्वयं बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा दे रहा है। दूसरा, यह शिक्षक स्वयं प्रेरित न होकर, शिक्षक मयंक से बच्चों को पढ़वाता है, यहाँ शिक्षक स्वयं प्रेरित न करके मयंक को कार्य करने की प्रेरणा देता है, यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। 5वां पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। वह चाय पीकर पढ़ने बैठ गया, इन वाक्यों में बैठ गया मुख्य क्रिया है और पीकर पूर्वकालिक क्रिया है। वह खाना खाकर सो गया, सो गया मुख्य क्रिया है और खाकर पूर्वकालिक क्रिया है। और 6ठा है कृदंत क्रिया, जब किसी क्रिया में प्रत्यय जुड़ने पर क्रिया का नया रूप बनता है तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जब किसी क्रिया में प्रत्यय जुड़ने पर क्रिया का नया रूप बनता है तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। हिंदी में कृदंत क्रियाएँ 3 प्रकार की होती है, वर्तमानकालिक कृदंत क्रिया, भूतकालिक कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। वर्तमानकालिक कृदंत क्रिया का उदाहरण है चल जोड़ता, चलता, दौड़ता आदि। भूतकालिक में चला, देखा, चल जोड़ा, चला, देख जोड़ा, देखा। पूर्वकालिक क्रिया चल जोड़ कर, चल कर, खा जोड़ कर, खा कर। इस प्रकार क्रिया कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर समझा दिए हैं। और इस पाठ का जितना भी प्रश्न उत्तर है उसको बनाना, जहाँ दिक्कत है पूछना। वैसे बहुत इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप बना दिए हैं, विस्तृत वाला जो है इसका आंसर इस पार्ट में दिया गया है, जिसको हम पढ़ा दिए हैं। अगले दिन काल पढ़ाएंगे।